जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। नगर पालिका अध्यक्ष ने किया बयाना, CHC का दौरा, मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। आज बयाना नगरपालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल उर्फ बट्टा ने बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर CHC की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नगरपालिका बयाना द्वारा बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर के हाथों में देने की बात कही। वहीं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर एवं सरकारी मेडिकल की दुकानों पर सरकार की ओर से आने वाली मुफ्त दवाइयों की जानकारी ली। वहीं IPD में जाकर मरीजों के हालात जाने। उन्होंने कहा कि इस कोरोना नाम की बीमारी से हमें एकजुट होकर मुकाबला करना है, मुकाबले में सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए इस बीमारी को हराना है, जिसमें नगर पालिका बयाना आपके साथ है। अगर अस्पताल में किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है तो हम हर वक्त आपके साथ तैयार हैं। आज नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से मैंने बयाना PHC का निरीक्षण किया, जो यहाँ कमियाँ हैं उनको नगर पालिका अपने स्तर पर करेगी। नगर पालिका ने 5 कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर को आप स्वयं के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय दिए जाएंगे, जो यहाँ दवाइयाँ इंजेक्शन बिल्कुल नहीं है, रेडीमेड नहीं, और कोई इंजेक्शन अभी हॉस्पिटल से लिख के आ रहे हैं हमारे पास, उन इंजेक्शनों की हम व्यवस्था करेंगे। जो भी अस्पताल में कमियाँ हैं दवाई संबंधी, हमने अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ पर जो मरीज खो जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, उनको सम्मानजनक जगह पे सम्मानजनक तरीके से लपेट के उसकी आबरू बचाते हुए जो देनी चाहिए वो व्यवस्था हमने दी है। आज हॉस्पिटल में भी दान किए हैं वे हमने किट, और इस महामारी से लड़ना है और लड़के ही हमारी जीत होगी।